करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आप हमेशा ही पढ़ते हैं, क्या आपने कभी चेक किया है कि हमें कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रहते हैं? आइए हम इस वीडियो में एक क्विज स्टार्ट करते हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज। नंबर एक क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? ऑप्शन एक 26 मिलियन हेक्टर। नंबर दो क्वेश्चन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रेक्षित किया जाएगा? ऑप्शन चार न्यूजीलैंड। नंबर तीन क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर ऑप्शन बी असम। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस अमरीकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? उत्तर ऑप्शन तीन सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन थ्री ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर चार 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में ऊरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन बी 14,775 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किस क्रिकेट पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन नंबर चार अंकित चव्हाण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है? सही उत्तर ऑप्शन चार इजराइल। अगला क्वेश्चन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश कौन सा बना? का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रशेखर वेद। अगला क्वेश्चन, विश्व दाता सूचकांक 2021 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी 14वां स्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए? ऑप्शन एक उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने जा रहा है?
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है? सही उत्तर ऑप्शन डी बिहार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईसा ने किस ग्रह के लिए एक नया एनविजेशन मिशन की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला है? सही उत्तर ऑप्शन ए नाप्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने तेरा काइली मैकेन ने 100 मीटर के ब्रेक स्टॉक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सीतसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया? सही उत्तर ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच। दोस्तों, क्या आप डेली करंट अफेयर्स की क्विज को पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम हर दिन डेली के नए करंट अफेयर्स की क्विज बना सकें।